Now we are going to study about the classification of gymnosperms. Gymnosperms को four divisions में divide किया गया है. So now we are studying about the classification. We will start with the division one. Name is gingivomata. They flourished during Triassic period only existing species in this is The only existing species is Ginkgo biloba, which is commonly called as maiden hair. इसको maiden hair tree इसीलिए बोलते हैं because ferns के अंदर, that is pteridophytes के अंदर एक fern present होता है जिसका जिसकी लीव्स बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही होती हैं, तो उनकी लीव्स को मेडन हेयर बोला जाता है और यहाँ पे गिंको बायलोबा को ही मेडन हेयर ट्री कहा जाता है. इट इज ओल्डेस्ट ट्री नोन, सो इट इज कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल. Presently found in China. Leaves are shed at end of each growing season. It is exclusively dioecious and the kernel of its seed is used as heart tonic in treatment of asthma and diseases like Alzheimer's disease. जब भी हम गिंगोफाइटा डिवीजन की बात करेंगे दैट मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन ट्री विच इज गिंको बायलोबा जिसका कॉमन नेम है मेडन हेयर ट्री बिकॉज ये गिंगोफाइटा सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स हैं सो दे हैव एक्सटिंक्टेड अब आज के प्रेजेंट एनवायरमेंट में ही नहीं पाए जाते हैं इनका सिर्फ एक ही स्पीशीज पाया जाता है विच इज गिंको बायलोबा दे फ्लारिश ड्यूरिंग द ट्रायासिक पीरियड ट्रायासिक पीरियड में इनका ग्रो होना स्टार्ट हुआ था गिंको बायलोबा सबसे ज्यादा पुराना ट्री है इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है एंड प्रेजेंटली ये चाइना में पाया जाता है अभी भी ये चाइना में प्रेजेंट है इनकी लीव जो होती हैं दे शेड एट द एंड ऑफ ईच ग्रोइंग सीजन हर एक ग्रोइंग सीजन के बाद इनकी लीव शेड होती हैं दे आर एक्सक्लूसिवली डायोशियस डायोशियस होते हैं एंड द कर्नल ऑफ इट सीड इसकी जो सीड्स का जो कर्नल होता है इट इज वेरी मच यूजफुल हार्ट टॉनिक्स और लंग्स को रिपेयर करने के लिए जो टॉनिक्स बनाए जाते हैं उनमें इनके कर्नल के एक्सट्रैक्ट डाले जाते हैं एंड एस्मा और एल्जाइमर्स डिजीज जैसे जैसे डिजीजेस के लिए ट्रीटमेंट में भी बहुत बेनिफिशियल होती हैं इनकी सीड्स का कर्नल सो दिस इज अबाउट द गिंगोफाइटा नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड डिविजन
नाउ द डिविजन नंबर टू इज साइकेडोफाइटा. These are the ornamental gymnosperms. They have about 250 species all over the world. They thrived during Mesozoic era. Which is referred to as Age of Cycads. They have large cones. And palm-like leaves. They are native to all tropical and subtropical regions. All species are dioecious and they all have coralloid roots. So this is about the another division which is Cycadophyta. आज भी इसके पूरे वर्ल्ड वाइड में 250 लिविंग स्पीसीज पाए जाते हैं. ये यूजुअली ऑर्नामेंटल जिम्नोस्पर्म्स होता है. ऑर्नामेंटल मीन्स इनको सजाने के लिए लगाया जाता है, अदरवाइज दे डू नॉट हैव एनी अदर इम्पोर्टेंस. दे थ्राइव ड्यूरिंग अ मीजोजोइक एरा. जैसा कि आपने पिछले वाले में देखा था कि गिंगोफाइट्स आए थे ट्रायासिक पीरियड में, ऐसे ही दे फ्लरिश ड्यूरिंग मीजोजोइक एरा. इसीलिए मीजोजोइक एरा को एज ऑफ साइकैड्स भी कहा जाता है. दे हैव लार्ज कोन्स एंड पाम लाइक लीव्स. वेन आई टोल्ड यू अबाउट द कोन्स, आई टोल्ड यू दैट साइकस अ पार्ट ऑफ साइकैड्स इज एन एक्सेप्शन, कि उसका जो मेल कोन होता है वो सबसे बड़ा होता है और फीमेल कोन प्रॉपर कोन नहीं होता. एक्सिस के अराउंड बस मेगा क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं. सो दे हैव लार्ज कोन्स एंड पाम लाइक लीव. इनकी लीव पाम लाइक होती हैं. दे आर नेटिव टू ऑल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. यूजली सारे के सारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, मतलब कि द रीजन नियर ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ऑल स्पीसीज आर डायोशस. सारे के सारे स्पीसीज डायोशस हैं, मतलब कि दे ऑल हैव कोरलॉइड रूट. इन सबके पास कोरलॉइड रूट्स होती हैं. कोरलॉइड रूट्स की स्पेसिफिसिटी इज दिस कि कोरलॉइड रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है एंड प्लांट्स उनको इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो साइकेडोफाइट्स हैव द कोरलॉइड रूट्स. Now you study about the division number 3, which is Coniferophyta. Coniferophyta have around 630 species worldwide. They all are found in Northern Hemisphere. They are the largest group of gymnosperms. These plants bear cone, इसीलिए इनका नाम Coniferophyta रखा गया है. They include several genera like Pinus,
पाइसी है विच इज कॉल्ड एज स्प्रूस एंड जूनिपर्स एक्सेट्रा. वुडी प्लांट्स एंड हैव स्केली एंड नीडल लाइक लीव्स. Usually monoecious cones separately produced on the same tree. Their reproductive cycle is of fourteen to 20 months. So these are the general characteristics of Coniferophyta. Coniferophyta के आज भी 630 living species present है पूरे world के अंदर. They are found in the northern hemisphere. लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ये जिम्नोस्पर्म्स का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है. इसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स के ऑलमोस्ट 70% ऑफ प्लांट्स आर देयर इन कोनीफेरोफाइटा. इन सभी प्लांट्स के अंदर कोन होते हैं इसीलिए इनका नाम कोनीफेरोफाइटा रखा गया है. दे इंक्लूड सेवरल जेनेरा लाइक पाइनस पाइन ट्रीज, पाइसिया स्प्रूस ट्रीज एंड जूनिपर्स आर जूनिपर ट्रीज. वुडी प्लांट्स होते हैं ये एंड दे हैव स्केल एंड नीडल लाइक लीव्स. एज आई टोल्ड यू कि पाइन की लीव्स ऐसी होती हैं, दिस नीडल लाइक. दीज आर द लीव्स ऑफ पाइन एंड दे आर यूजुअली मोनोशियस. मोनोशियस होते हैं. कोन्स आर सेपरेटली प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम ट्री. एक ही ट्री पे दोनों मेल और फीमेल कोन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन अलग अलग पोजिशन पे. एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल इज अ 14 to 20 months. एज आई टोल्ड यू कि इनकी जिम्नोस्पर्म्स की रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत लंबी चलती है लेकिन सारे जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता. कोनीफेरोफाइटा आर द स्पेशल इज अ स्पेशल डिवीजन. इसके प्लांट्स के अंदर इस डिवीजन के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सबकी रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत लंबी चलती है. जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन के तुरंत बाद फर्टिलाइजेशन हो जाए या फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद सीड डेवलपमेंट हो जाए. इसीलिए दे हैव अ वेरी लॉन्ग रिप्रोडक्टिव साइकिल. So this was about the third division, Coniferophyta. Fourth division, which is Nitophyta. It is the most distinctive group of gymnosperms. With three different families जो कि हैं Ephedra, Neetum and Velvetia. These are not families, these are the genera. They have three different genera, Ephedra, Neetum and Velvetia. They show double fertilization. अभी तक हमने देखा था जितने भी बाकी सारे क्लासेस थी उन सब में सिंगल फर्टिलाइजेशन हो रहा था बट हेयर डबल shows double fertilization with formation of zygote. Diploid zygote only, no endosperm is formed. Ovules and microsporangia occur on
फर्टाइल शूट दैट आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉबेलाय. So these are the general characteristics of the last division of gymnosperms, that is the neetophyta. Neetum is a tree जो कि काफी सारे exceptions जिसके मैंने आपको बताए थे, like it has climbers. So neetophyta सबसे distinctive group है gymnosperms का, जिसके अंदर three different genera है, and जो जितनी भी इनकी तीनों genera है, ephedra, neetum and welwetschia, ये तीनों की तीनों are morphologically different. They are morphologically different, but फिर भी इनको एक साथ इसीलिए रखा गया है because they have chemical similarities. इनके अंदर कुछ chemical similarities होती हैं, like इनके अंदर क्या क्या कैसे कैसे produce होता है, उस सब के basis पे, molecular and chemical basis पे इनका classification किया गया है. दे शो डबल फर्टिलाइजेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जायगोट ओनली. यूजली जब हम डबल फर्टिलाइजेशन का नाम सुनते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आते हैं, एक आता है जायगोट और एक आता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म. लेकिन यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता तो है, बट यहाँ पे सिर्फ डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होता है और जो दूसरा जायगोट बनता है फ्यूजन से मेल और फीमेल के, उससे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता, वो डीजनरेट कर जाता है. एंड इसके जो ओव्यूल्स होते हैं और जो माइक्रोस्पोरांजियाज होते हैं, दे अकर ऑन फर्टाइल शूट दैट आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉबेलाय, जैसा कि बाकी सब में था. बाकी तीनों डिविजन्स में भी कोन्स में ही प्रेजेंट होते थे ओव्यूल्स और माइक्रोस्पोरांजिया, एंड इसमें भी सेम ही है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स.